सब्सक्राइब करें इस चैनल को और हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए दबाएं इस घंटे को। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, अगर आपको कंप्यूटर में दिलचस्पी होगा या फिर आप कंप्यूटर के बारे में जानना पसंद करते होगे तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। अगर आपको नहीं पता कि API क्या होता है तो सो लेट अस स्टार्ट विद फुल एनर्जी एंड फुल एंथुसियास्म। तो फ्रेंड्स, API होता क्या है? API का सिंपल सा मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API सॉफ्टवेयर का वो पार्ट है जो कंप्यूटर को एप्लीकेशन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। बेसिकली मैं अगर ये बोलूँ कि एप्लीकेशन का वो पार्ट जो सॉफ्टवेयर से इसको लिंक करता हो, जैसे कि मान लें आपने कोई डाटा भेजा और वो डाटा आपके सर्वर पर अपलोड करेगा और सर्वर से कुछ डाटा लेके आपको देगा। तो API का मतलब आप सिंपल समझ सकते हो कि आप इसको कुछ इनपुट देते हो या आपको बदले में कुछ आउटपुट करके देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए यहाँ तक? अगर आपको अभी तक भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल थ्रू समझाना चाहता हूँ कि API जो है वो होता क्या है। तो दोस्तों, मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में आपने पिज्ज़ा ऑर्डर करा। तो पिज्ज़ा ऑर्डर आपने किसे करा? वेटर को करा। तो वेटर क्या करेगा फ्रेंड्स? वेटर अपने रसोई में जाएगा और जो पिज्ज़ा बनाता है उसको बोलेगा कि यहाँ से ऑर्डर आया है पिज्ज़ा के लिए। तो वो पिज्ज़ा बना के आपको वापस से देगा और फिर वही वेटर जो है वो आपका पिज्ज़ा लेके आपके सामने आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वेटर काम कर रहा है हमारा API। API हमसे डाटा कलेक्ट करता है और वो सर्वर पे जाके अपलोड करता है और सर्वर पे अपलोड करके कुछ डाटा कलेक्ट करके फिर से हमें वापस भेज देता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल से इतना ही मतलब होता है API का। API का बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे कि YouTube हो गया, गूगल हो गया या फिर अमेजोन हो गया, ईबे हो गया। आपने अगर कोई वेबसाइट डिजाइन करा होगा तो वहाँ पे लिखा होगा दिस वेबसाइट इज बेस्ड ऑन API सिस्टम। तो आपका मतलब यही होता है कि जो API होता है वो गूगल, अमेजोन सभी जगह पे लिंक्ड होता है। तो यही कारण है कि सबको बोलते हैं कि हम आपका जो वेबसाइट है वो API बेस्ड होना चाहिए, तभी आप में गूगल फ्रेंडली एड्स जो है वो आपके वेबसाइट पे लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे कि API होता क्या है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ।